हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम केशरा भात बनाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ही आसानी से और फास्ट बनाकर तैयार कर सकते हो। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम केशरा भात बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कटोरी चावल ले रहे हैं। आप कोई सा भी कटोरी हो या मेजरिंग कप वगैरह हो तो आप वो एक सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने 2 कटोरी चावल ले रहे हैं और आप यदि इसे ग्राम में नापेंगे तो यह 200 ग्राम चावल ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये सेलम चावल लिए हैं, आप यहाँ पर बासमती चावल भी ले सकते हो। और इसे हमने अच्छे से 2 से 4 पानी से अच्छे से पहले वॉश कर लिया और इसे 1 घंटे के लिए हमने इसे पानी में भिगो कर रख दिया था, तो जिससे कि हमारा केशरा भात खिला खिला बने। तो इसे अब हम साइड से रख देंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले एक भगोले में पानी ले लेंगे और उसमें बॉईल आने देंगे। जब इस पानी में बॉईल अच्छे से आ जाए, पहले से जो चावल सोक करके रखे हैं सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे और हमें इसे बिना नमक से पकाना होगा। और यदि आप यहाँ पर बासमती राइस लेते हैं तो हमें इसे पूरा प्रॉपर पकाना होगा, पूरा चावल को बनने देते हैं। और केशरा भात बना रहे हैं तो हमने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है, हमें इसे बस पानी में ही बॉईल करना है। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे, चावल अच्छे से पक चुके हैं। और मैं आपको इसे चेक करना बता देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक चावल निकालती हूँ और ये देख, आप इसे दबाकर चेक कर लीजिएगा, ये पूरे पक चुके हैं। और आपको चावल पकाते समय ध्यान रखना है कि इसे हमें बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। बस एक बार जिसे हमने डाल दिया ना, तो उसके बाद इसमें चम्मच नहीं लगाना है। यदि आप इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे ना, तो आपके चावल बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेंगे। और यदि आपने इसे डालते से चम्मच लगाकर हिला दिया तो आपको बार बार इसे हिलाना पड़ेगा। और आप ये देख लो, जब हम सेलम चावल लेते हैं ना, तो आप इसकी क्वालिटी देखिए, इतने लंबे चावल होते हैं ये। तो ऐसे चावलों का पुलाव और केशरा भात बहुत बढ़िया बनता है। तो अब मैं यहाँ पर, ये चावल प्रॉपर पक चुके हैं तो मैं इसका पानी पूरा निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हमने गैस बंद कर दिया है और इसका पानी निकालने के लिए हम यहाँ पर एक स्टीनर रख लेंगे, हम ये सारे चावल इसमें डाल देंगे। यहाँ हमने चावलों में से सारा पानी अलग कर दिया है और इसे हमें छन्नी में ही रहने देना होगा। और हम केशरा भात बनाने के लिए अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले रहे हैं और इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना हम घी डाल देंगे। यहाँ पर हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये 4 लौंग डाल देंगे केशरा भात में अच्छे से फ्लेवर लाने के लिए। खड़ी इलायची डाल देंगे और यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए हैं, तो इसे इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर हम काजू को पहले अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी में। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो भी आपकी पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, काजू अच्छे से भून चुके हैं और जो घी के अंदर है ना, ये जो हमने लौंग डाले हैं, खड़ी इलायची डाली है, का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ चुका है। अब हम इसके अंदर 1.5 कटोरी जितना पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 कटोरी जितना शक्कर ले रहे हैं, तो उसी नाप से हम 1.5 कटोरी यहाँ पर पानी डाल देंगे। हम यहाँ पर ये 3 कटोरी जितनी शक्कर ले रहे हैं। यदि जैसे हमने मेजरिंग करा है तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल लिए थे, तो हम यहाँ पर 3 कटोरी शक्कर ले रहे हैं और उसी कटोरी से नाप करते हुए हमने 1.5 कटोरी यहाँ पर पानी लिया है। यदि आप वेट करते हो तो 200 ग्राम हमने यहाँ पर चावल लिए हैं और 300 ग्राम हमने यहाँ पर शक्कर ली है और 150 ml यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। और हमें इसकी तार वगैरह नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये शक्कर घुल जाए इस पानी के अंदर, बस उतनी हमें यहाँ पर इसको बॉईल करना है। अब जैसे चावल जिस भी मेजरमेंट से ले, जिस भी कटोरी से मेजर, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको कहा था कि आप जैसे कोई भी कटोरी या कप कर लीजिए चावल को नापते समय, तो उसी नाप से आप यहाँ पर शक्कर लीजिएगा। एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारे केशरा भात के चावल बनकर तैयार हो जाएंगे और प्रॉपर यहाँ पर मीठा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको फिर भी जैसे कोई ज़्यादा फीका खाते हैं, तो आप यहाँ पर शक्कर की क्वांटिटी लेबल में कर लीजिए। जैसे कि आपने 2 कटोरी चावल लिए तो आप 2 कटोरी ही शक्कर लीजिएगा। और जैसे यदि आप प्रॉपर मीठा खाते हैं और रसीले आपको केशरा भात खाना है, तो आप यहाँ पर 200 ग्राम यदि हम चावल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर 300 ग्राम शक्कर ले लेंगे। तो आप इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा तो आपका एकदम परफेक्ट यहाँ पर केशरा भात बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर केशरा भात बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ केशर के धागों को पानी में डुबो दिया था और थोड़ा सा मीठा कलर भी डाल दिया था, केशर कलर जो होता है वो भी इसके अंदर डाल दिया था, ताकि हमारे केशरा भात का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आए। तो आप, ये ऑप्शनल है, यदि आप यहाँ पर कलर नहीं चाहते हो तो सिर्फ केशर डालकर भी यहाँ पर आप केशरा भात बना सकते हो। यहाँ पर देखिए शक्कर अच्छे से गल चुकी है
और यहाँ पर बॉईल आ चुका है पानी में। जो बॉईल आ चुका है बस हमें ज़्यादा चाशनी वगैरह की तार वगैरह नहीं बनाना है। तो जो हमने ये चावल बनाए हैं ना, ये सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ देख रहे हो आप, इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। आप फ्रेंड्स इस तरह से यदि केशरिया भात बनाएंगे ना, तो आपके एकदम से परफेक्ट केशरिया भात बनकर, खिले खिले केशरिया भात बनकर तैयार होगा और कोई चावल का टुकड़ा भी नहीं होगा और एकदम बहुत ही शानदार हमारे केशरिया भात बनकर आएंगे। तो यहाँ हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर थोड़े से जो हमने ये किशमिश पानी से अच्छे से धो लिए थे, ये भी डाल देंगे। फ्रेंड्स आप ड्राई फ्रूट वगैरह आप अपनी पसंद से इसमें ऐड कर सकते हैं। अंदर हम इलायची पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स यदि आपके यहाँ पर इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं इसे। और केशरिया भात में इलायची और लौंग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अब यहाँ पर हमने केशरिया भात को अच्छे से मिक्स कर दिया और आप अभी ये देख रहे हो इसके अंदर हमारे ये शक्कर का पानी भी अभी है, यहाँ पर हमारी ये चाशनी भी अभी यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे ऐसे ही ढक कर छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार इसे देख लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से चला लेंगे और आप ये देख रहे हो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो जैसे हमने यहाँ सेलम चावल लिए थे, है ना। जैसे आप चावल कोई से भी ले लो, अगर हम चाशनी बनाकर अगर चावल डालते हैं ना, तो आप उसमें प्रॉपर कुक करके डालिएगा, क्योंकि मीठे के अंदर जाने के बाद में कोई सी भी चीज़ पकती नहीं है, बस ये चावल शक्कर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें इसलिए हमने यहाँ पर जो चावल बनाए थे प्रॉपर कुक किए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप ये देख रहे हो इसके अंदर अभी भी ये रस बाकी है, तो हम एक बार इसे अच्छे से हिलाकर इसे 2 मिनट गैस पर रखेंगे और यहाँ पर हम जैसे अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें भाप आ जाए, और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि जो चावल है उन्हें अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल सके और जो ये चावल है हमारे अच्छे से जब चाशनी पी लेंगे तो एकदम प्रॉपर मीठे हो जाएंगे और चाशनी भी कम हो जाएगी। तो हमें इसे चाशनी में चावल डालने के बाद इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल प्रॉपर कुक किए थे। तो हमने यहाँ पर अब गैस बंद कर दिया है और अब हम इसे थोड़ी सी देर रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल कर देख लेंगे और यहाँ पर सारे चावलों ने चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा था ना जब हमने इसे ढक कर रखा था तो कितनी ज़्यादा चाशनी थी इसके अंदर। इसे 10 से 15 मिनट हम इसे ढक कर रख देते हैं ना, तो ये सारे चावल चाशनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें खूब सारा इसे हिलाना भी नहीं पड़ता है। और आप यहाँ पर ये वॉच कीजिए फ्रेंड्स कि ये यहाँ पर सारे चावल टूटे भी नहीं हमारे, ये देख रहे हो आप। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ पर चावल पूरे आखे हैं, यहाँ पर टुकड़े भी नहीं हुए। हमारे चावल टुकड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि फ्रेंड्स हमने जब इसे ज़्यादा हिलाया नहीं, इसका एक रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पर शक्कर का पानी मतलब चाशनी बनाकर इसके अंदर डाला है। यदि हम इसके अंदर कच्ची शक्कर डालते ना, उसके बाद में क्या करते, गर्म होते चावल और उसे कुक करते समय हमें इसे हिलाना पड़ता, तो चावल टूट जाते। उसके बाद में आपने देखा होगा, वॉच किया होगा कि हमने जब चावल कुक किए थे तो हमने पूरे चावल पकाए थे। जब शक्कर का पानी बनाकर हम जब चावल डालते थे ना शक्कर में, तो चावल आगे कुक नहीं होते, उनके कुक होने की प्रोसीजर वहीं रुक जाती है, वो गलेंगे नहीं। बस यहाँ पर चावल ज़्यादा हिलाने पर टूट सकते हैं, ज़्यादा गलेंगे नहीं। जैसे ही हम चावल चाशनी में डालेंगे ना, तो चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी, बस वो पानी को, मीठे पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। ज़्यादा हिलाने से हमारे चावल टूट जाएंगे, इसलिए हमारे खिले खिले केशरिया भात बने, ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो आप इस तरह से ज़रूर से केशरिया भात बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा केशरिया भात एकदम ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं अब इसे सर्व करके बता देती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा केशरिया भात बनकर तैयार है। मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ और ये देखिए है ना, खिला खिला हमारा एक एक चावल यहाँ पर दिख रहे हैं फ्रेंड्स। खिला खिला हमारा केशरिया भात बनकर तैयार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस यहाँ हमने केशरिया भात बनाकर तैयार किया है। मैंने इसे सर्व कर दिया, यहाँ पर इसे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग कर दूंगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निशिंग कर दिया है और अब ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे एनी फेस्टिवल पे या एनी ओकेशन पर आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हो। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में 2 से 4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो इसे आप ठंडा सर्व कीजिए या फिर आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में निकाल कर गर्म करके भी सर्व कर सकते हो और इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट से और मेरे बताए तरीके से यदि आप केशरिया भात बनाते हैं ना,
तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप बासमती चावल ले लीजिए या सेलम चावल ले लीजिए, कोई से भी चावल ले लीजिए, उसे पूरा कुक करिए, बस ओवर कुक मत कीजिएगा, आपके भी केशराभात बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। हम पूरा कुक इसलिए करवाते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम शक्कर की चाशनी बना रहे हैं और हमें यहाँ पे चाशनी बनाते समय कोई तार वगैरह नहीं लेना है। यदि फ्रेंड्स कुछ बातों का ध्यान रखकर आप केशराभात बनाएंगे ना, तो आपके भी खिले खिले केशराभात बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे गर्म गर्म सर्व कीजिए या फिर फ्रेंड्स इसे ठंडा भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी बताई हुई रेसिपी बेहद पसंद आएगी। मेरे बताए हुए तरीके से और मेरे बताए हुए मेजरमेंट से एक बार केशराभात की रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये केशराभात की रेसिपी कैसी लगी। है ना फ्रेंड्स, एकदम से इजी और फास्ट में बनने वाली रेसिपी, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए गुड बाय।